हेलो नमस्ते खुलुम भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और हम भी बढ़िया है। सो आज जो है ना, मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं रियान को स्कूल छोड़ने के जाने के लिए रेडी हुई हूँ। वैसे तो ज़्यादातर हस्बैंड ही छोड़ने जाते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड का काम होता है या फिर वो बाहर जाते हैं ना, तो मैं उसे छोड़ने जाती हूँ। तो आज ऐसे ही हस्बैंड का काम है, तो मैं रियान को छोड़ने के लिए निकली हूँ। ये देखिए पूरा रियान रेडी है और अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। सो पिलपिले आने से पिलपिले में जाएंगे इधर, तो वो इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है पिलपिले बोलते हैं हमारे इधर, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, टॉम वगैरह भी बोलते हैं शायद। तो अभी वेट करते हैं, गाड़ी आने से निकल भी जाते हैं। और मैं जो है ना रियान को उधर वेट करके लेके आती हूँ। अभी 8 बजे से स्टार्ट होगा इन लोगों का क्लास, तो 11:20 को छूट जाता है, तो मैं वहीं पे वेट करती हूँ। नहीं तो बार बार चार बार आना जाना होता है ना, तो घर में आते आते फिर जाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं वेट ही करती हूँ। तो अभी वेट करते हैं, गाड़ी आने से चाहते हैं ना। हाँ चलो जाते हैं बलंगुड़ी। हाँ भाई चलो 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 चलो, इधर ही चलो। तो पिलपिले मिल गया हमको, अभी हम जाते हैं और स्कूल में जाके मिलते हैं ना रियान। पहुंच गए ना रियान स्कूल। कुछ रहो भाई, चला गया। जब ऐसे अकेला जाता है ना बहुत क्यूट लगता है, प्यार भी आता है। तो अभी मुझे 3.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, इधर छोटा सा घर है तो यहीं पे वेट करती हूँ। बाकी पेरेंट्स लोग भी रहते हैं यहाँ पे, सारे लोग वेट कर रहे हैं। अभी हम सारे पेरेंट्स लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं इधर, कितना बैठ रहे हैं 3 घंटा 3.5 घंटा, तो थोड़ा इधर ही टहल के आते ना। पूरा 3.5 घंटा वेट करने के बाद अभी फाइनली छूट गया रियान लोग का स्कूल। उधर लाइन लाइन होके आ रहे, ये देखो आ गया रियान। यस कम कम कुछ खरीदते हैं दुकान में, क्या खाएगा रियान, क्या चलते हैं, चलो जल्दी लो, बच्चों का भीड़ लगेगा अभी पूरी दुकान में। हाय इंद्रेन, बाय बाय सर, नंग सिंह ने बाय बाय धनंजय, बाय बाय। तो क्या नंग सिंह दे, ओ तो नंग सिंह थक सका खते का खते का खते। अभी हम घर जा रहे हैं ना रियान। रियान क्या खा रहा, चोको पाई, भूख लगा था ना, कितना से खाना खा के आया था सुबह रियान। ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय, लेट्स गो, वी आर गोइंग लोग का मामा थे। पहुंच के हम लोग घर, रियान गेट खोलो, आजा आजा रियान, जल्दी आओ जल्दी जल्दी। चलो रियान ड्रेस चेंज करते, नहाते, खाना खाते, चलो चलो। सो गाइस, अभी ना मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो है ना काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे कुछ टाइम से, और मेरे जैसे काफी सारे लोगों को हेयर फॉल होते हैं, तो सोचा ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब भी मैं बाहर जाती थी ना, तो बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे थे कि मेरा बाल जो है ना काफी पतला हो गया, तो लोग बोल भी रहे थे, तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वैसे हेयर फॉल तो काफी सारे रीजन की वजह से होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे हेयर फॉल हो रहे और वहां पे नए बाल नहीं उग रहे। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन ढूंढ रही थी, तो मुझे मिला मामा अर्थ का ये रोजमेरी रेंज का हेयर ग्रोथ ऑयल। तो इसमें जो है ना रोजमेरी है, और रोजमेरी जो है ना एक नेचुरली अल्टरनेटिव है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये हेयर ग्रोथ का एक्सपर्ट है। रोजमेरी जो है ना, रोजमेरी में हेयर ग्रोथ का प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पे मेथी दाना का गुण भी है जो कि हमारे हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद करता है और नए बाल उगने में भी मदद करता है। और इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप लोग देख सकते हैं इसका बॉटल जो है ना क्यूट पर्पल कलर में है, और यहाँ पे कॉम्प एप्लीकेटर भी दिया गया है जिसके जरिए आप लोग बड़े आसानी से आपके बालों के रूट तक आप लोग आराम से ऑयलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपके फिंगर टिप से आराम से मसाज करना है, उसके बाद आप लोग 2 घंटा रख के इसको वॉश कर सकते हैं या फिर पूरी रात भी रख सकते हैं। और आप लोग के मामा अर्थ के रोजमेरी रेंज में एसेंशियल ऑयल भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग मामा अर्थ के हेयर ग्रोथ ऑयल में या फिर किसी भी ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। और रिसर्च में बताया गया है कि ये जो है ना हेयर ग्रोथ की दवाई जो होती है मिनोक्सिडिल, उससे भी कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, और ये हमें जो है ना उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने में मदद करता है। और उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करने के लिए यूज करती हूँ मामा अर्थ का रोजमेरी रेंज का शैम्पू एंड कंडीशनर। तो ये शैम्पू जो है ना, इसमें है रोजमेरी और मेथी दाना। रोजमेरी जो है ना
हमारे बालों को नरिश करता है और हमारे हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। और मेथी दाना जो है ना हमारे बालों को मजबूत बनाता है और ये शैम्पू जो है ना हमारे बालों को क्लींस करता है। और उसके बाद मैं यूज करूंगी मामा अर्थ का रोजमेरी रेंज का कंडीशनर। तो इसमें है रोजमेरी, मेथी दाना, कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ना हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है और आलमंड ऑयल जो है ना हमारे बालों को कंडीशंस करता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को भी हेयरफॉल का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इस मामा अर्थ का रोजमेरी रेंज के इस प्रोडक्ट को यूज करके देख सकते हैं, आप लोग को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, मैंने आप लोगों से मामा अर्थ के प्रोडक्ट की गुडनेस की बात तो कर ली, अभी मैं बात करती हूँ मामा अर्थ के प्लान गुडनेस इनिशिएटिव के बारे में। जब भी हम मामा अर्थ से कुछ ऑर्डर करते हैं ना तो हमारे ऑर्डर के लिंक को वो लोग एक प्लान से जोड़ते हैं जो वो लोग खुद लगाते हैं। मतलब वो लोग ये एम लेके चल रहे हैं कि 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगा सके। और मामा जो है ना प्लास्टिक पॉजिटिव है, वो लोग जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकल करते हैं। तो अगर आप लोग को भी मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप लोग को एमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल में मिल जाएगा और साथ में मामा अर्थ के प्रोडक्ट मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप में भी आप लोग को मिल जाएगा और अभी तो नजदीकी ऑफलाइन स्टोर में भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग को ये प्रोडक्ट चाहिए तो मेरा कूपन कोड 63 2023 यूज कर लेना, आप लोग को एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्कूल से आने के बाद नहा धो लिया, मैंने भी नहा लिया, रियान को भी नहला दिया। तो अभी जो है ना हम खाना खाने वाले, मैं खाना परोसने वाली हूँ। तो रियान को जो है ना ऑमलेट बना के देने वाली हूँ, या फिर अंडा। ऑमलेट खाता है या फिर बॉयल खाता है, अभी अंडा ही खा रहा है बस। ये इधर देखिए रियान, रियान दाऊदी बना से दे, मैं ऑमलेट बना लेती हूँ इधर। खाना परोस दिया, अभी रियान खाने वाला है। सूखा सूखा मैं लगा के देती हूँ उसको, ज्यादा अच्छे से लगाना अभी तक नहीं आता। सूखा सूखा खाना खाता है रियान। ये देखो, ये खाओ, खाओ जल्दी, खाओ जल्दी, खाओ। तो अभी हम माँ बेटे खाना खा रहे, तो सब्जी जो है ना लौकी और आलू का सब्जी है और रोज लिप्स का चटनी है और रियान का तो अंडा, वो तो सूखा सूखा खाता है। खाना पीना खा के रियान और उसका पापा क्या बजा रहे रियान, रियान का वो रियान डाउनलोड कर रहे हो, क्या बोलते इसको, पियानो ना, क्या डाउनलोड किया पियानो, लेगो, लेगो सीन में, लेगो सीन में, बीजी सो। और अभी हम बाड़ी में जाने वाले हैं, बगीचा में पेड़ गाड़ना है और मुझे नींबू भी लेके आना है। तो ये पौधे जो है ना हम लगाने वाले हैं हस्बैंड अभी। ये चंदन का पेड़ है, लाल और सफेद शायद, मुझे भी अच्छे से पता नहीं। चलो लेके चलते हम भी। और तो ये अभी पौधा लेके हम जा रहे हैं, हस्बैंड इसको लगाने वाले हैं। चंदन का पौधा है, उधर आगे आगे हस्बैंड हमारा, उधर जो पोखरी के नजदीक बगीचा है ना तो वहीं पे लगाएंगे। और इधर हमारे आबे बैठ रहे, आबे मीन्स ग्रैंड मदर, हमारी नानी जी, मेरी मदर इन की मोम, हवा खा रहे साथ। कम जा भाई, मांग रहे उनला। चलो इधर ही नानी का घर है, नजदीक ही हमारा बाड़ी, मतलब तो गाय ने नहीं फंको सुन दोन को ओ फंग नहीं अरे ये बुलाई ना। हाँ पूरा अभी थोड़ा जंगली हो गया है, ये रास्ते में तो नहीं लगा सकते। और हमारे इधर सुपारी भी है, इधर ही ना, इधर आगे साफ करना पड़ेगा। मिट्टी की वजह से काफी हैवी है दे। तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो हम शायद उस टाइम पे थोड़े रिच हो जाए ना क्या ऐसे ही बोलने के लिए। अब चंदन ने तो थोड़ा सोच के थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है घर में यूज करने के लिए ये। हाँ खुद का कॉस्मेटिक बनाने के बाप रे। लाल मिट्टी है, मिट्टी भी लाल पहाड़ में हुए था शायद, हो सकता है। सीधा गाड़ो, सीधा नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा पेड़। ये पौधा ही टेढ़ा है सच बोलो तो ये? हाँ थोड़ा सीधा ऐसा वो लगा दो, बांध के रखना पड़ेगा। हाँ हाँ तभी थोड़ा सीधा होगा सच।
सफेद वाला है शायद ये ना, वो ये लाल है वो सफेद है। देखो पौधा लगा लिया, अभी जाते हैं क्या कहता है नींबू लेना है उधर से, उधर मिलेगा कि नहीं, वो तो बहुत जंगल हो गया, थोड़ा साफ करके देना ये रास्ता बना के दो। ये इतना जंगल हो गया अंदर नींबू का पेड़, देखिए कैसे जाऊँ यहाँ से, यहाँ पे रास्ता का बना के दो, उधर दिख रहा है नींबू। इधर देखिए नींबू तो है, ओ नीचे नीचे का पूरा पक गया, तो ये नींबू उधर भी रखा है, उधर भी बाहर काफी ज्यादा हो गए, सारे बड़े बड़े और पके हुए। मुझे तो पका हुआ अच्छा लगता है तुम्हें ना, मुझे ज्यादा पका हुआ अच्छा नहीं लगता, कच्चा अच्छा लगता है। रोज सुबह खाते हैं ना नींबू ही कम पड़ गए, घर का तो पूरा खत्म हो गया। और है क्या पेड़ में, उधर है पूरा जंगल है उस साइड पे, तो 1.5 किलो तो होगा शायद, ज्यादा ही हो जाएगा, पूरा पसीने से भीग गया ऊपर से मैं। इधर नींबू है और उधर फिर से नींबू मिल गया, चलो पका हुआ है सब, गर्मी लग रहा है, धूप है काफी ज्यादा ना, खाला कपड़ा भी पहन के आया ना, चलो जाते हो गया, मिल गया काफी सारा, चल जाएगा। क्या हुआ मेलो ना, क्या बोलते इसको, जुम्बुरा ना, जुम्बुरा बोलता है लोकल लैंग्वेज में, जुम्बुरा। पका हुआ ही नहीं है शायद, ये वाला पका हुआ है, ये देखो वाला ले लो, ये लो चाहता है मिर्च सबके साथ। हाँ अरे घर से मैं लोग तो बुलाओ, नहीं ये लोग नहीं खाते, होगा ना एक पका हुआ कि नहीं, देखो पता नहीं मुझे तो अच्छे से पता ही नहीं चलता, थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं होता था, छोटा छोटा ये वाला ऊपर पका है जैसा नहीं लग रहा मुझको, तो ये देखो हम घर में कोई यही नहीं, हमने बुलाया था लेके ले खाते ना, अच्छा लगेगा गर्मी में धूप में आए मैंने। तुम लोग फुटबॉल नहीं खेला इससे, खेला तो सारे लड़के खेलते हैं ना गांव के लोग, तो हाँ पहुंच गए घर, इतना गर्मी लग रहा है। उधर का उधर का इसी बार भी निकल के खाना, ये वाला हे भगवान ये मसूसाले है। हाँ, इसको सुस्के कहो, ये तो झूठ बोला तुमने मुझे, पोमेलो है ये, मसूसाले ने बाबी बाबा एंड बाबा बेटी ने तो पूरा ऐसे मसूसाले बना के खाया, और मैं जो है ना ऐसा पूरा निकाल के खा रही, इतना रसीला है ना, मजा आ गया। ऐसे कड़क धूप से आके ऐसा रसीला चीज मिला तो क्या चाहिए, और बहुत मीठा है, कलर पे मत जाना, सफेद है दिखने में लेकिन मीठा बहुत है। और अभी शाम हो गया और रियान अभी पढ़ाई कर रहा है ना रियान, क्योंकि रियान का जो है ना एग्जाम नजदीक आ गया है, नजदीक मतलब 3 दिन ही है बस, 14 से स्टार्ट होने वाला है हाफ ईयरली, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। 1-2 स्पेलिंग लिखो पहले, ठीक है रियान, लिखो जल्दी, इतना लेजी नहीं, इतना लेजी है, यहाँ पे मैं लिख के दूंगी तुम स्पेलिंग लिखो, ठीक है बाबा, ठीक है बोल बोल के लिखना, ओए निवान ऐसे बोल के, ठीक है चलो यहाँ पे लिखो, जल्दी से खत्म करना है, घर भी लग गया, मिल्क पीना है रियान, मैं लेके आऊंगी, ठीक है पहले खत्म करो, मैं मिल्क लेके आऊंगी, चलो चलो जल्दी। ओ पेपर बीर भाई ने
ONE1TWO2THRW3FOUR4FIV5 ए सामानै डिलीट खौ बाबा 6 निखौ एसे मोजां लिरनांगौ ना SIX6 एसखौनो नुवाखै 7 निखौ